मेरा नाम हेमंत प्रकाश है। ग्राम मेवला कला के पीड़ित किसान हमारे संपर्क में आए थे। पिछले 2.5 महीने से ये मसला चल रहा है, जिसमें कि लेखपाल उर्वादत्त भट्ट और कानून को जादव सिंह ने ग्राम के किसानों के साथ में नपाई पैमाइश के दौरान भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया। किसी की जमीन नापी, किसी की नहीं नापी। शासकीय जमीन जो नदी नाले नहर बंजर भूमि होती है, वो इन्होंने भू माफिया टाइप के बड़े किसानों लोगों को कब्जा दिला दिया, उस पर वो खेती कर रहे हैं। आज भी मौके पे जाके अगर आप चेक करते हैं तो जो शासकीय नदी नाले हैं वो पाट दिए गए हैं। इनके अधिकारी जाते हैं मौके पे और किसानों को अगली 15 दिन की 30 दिन की तारीख देके आ जाते हैं कि हम आएंगे फिर हम कार्य करेंगे। खेती उस पर पहले हुई, पीछे भी उस पर फसल कटी है। आज आप जाके चेक करेंगे वहाँ पे फिर गेहूँ बो दिया गया है। कोई भी शासकीय अधिकारी उस पर कार्य करने को तैयार नहीं है। भू माफिया लोगों को ये संरक्षण दे रहे हैं और भू माफिया लोग अपना हिस्सा इनको दे रहे हैं। कितने लोग होंगे गांव के जिनकी जमीन खुर्द-बुर्द की गई है? 50 से अधिक किसान है। बहुत सा किसान डरा हुआ है, ये बराबर किसानों को डरा रहे हैं, उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं कि तुम्हारी जमीन हम कागजों में कम कर देंगे। अब किसान इतना शिक्षित नहीं है कि वो इनसे कागजों में लड़ सके। आज आप कलेक्ट्रेट आए हैं, क्यों आए हैं, किससे मुलाकात हुई? आने का मुख्य उद्देश्य, हम पीछे शुक्रवार को 16 दिसंबर के दिन, ये सभी जितने किसान आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये 16 दिसंबर को भी यहाँ आए थे। इन्होंने बंदोबस्त अधिकारी के कार्यालय में, न्यायालय में उनसे मिलके एक आग्रह पत्र दिया, जिसमें कि इन्होंने आग्रह किया था कि सीओ देवेंद्र सिंह अपने जूनियर्स जादव सिंह और उर्वादत्त भट्ट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, किसानों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अगर हटाने आप सक्षम ना हो तो सक्षम अधिकारी को संस्तुति की जाए। उसी दिन आधे घंटे बाद ही सीओ कार्यालय से इन्हें सम्मन जारी किए जाते हैं किसानों के, जिस जिसने बयान दिए हैं वो दोबारा 20 तारीख में आके बयान दीजिए। जबकि जांच टीम गठित हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, बयान दर्ज हुए 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जो दोषी लोग हैं, रिश्वतखोर लोग हैं, उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी लिप्त हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वरिष्ठ अधिकारी ADM जो कि इस उप संचालक चकबंदी हैं, उनकी उपस्थिति में बयान दर्ज हों, तत्काल प्रभाव से दोनों को सस्पेंड किया जाए और एक उच्च स्तरीय जांच टीम गठित की जाए, मौका मुआयना किया जाए। मेवला गांव में जो जो भू माफिया लोगों ने शासकीय जमीन नदी नाले पाट दिए हैं, उस पर पाट के खेती कर रहे हैं, उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? सतवीर सिंह। आज आप कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या मामला है? मेरा नोटिस गया था चकबंदी विभाग से। क्या नोटिस? आज मैंने शिकायत की थी ना, उसके संबंध में बुलाया था, तो उसमें आए थे और लिख के दिया है अधिकारियों को कि हम सीओ साहब के सामने अपना कोई बयान नहीं देंगे, क्योंकि हमने सीओ साहब की खुद शिकायत कर रखी है, इसलिए वही हमारा बयान लेंगे, तो हम बयान देने से हमने मना कर दिया है। दोषी व्यक्तियों के नाम वगैरह बताइएगा। नोटिस किस टाइप का है आपको? नोटिस नहीं, नोटिस आया बयान लेने के लिए, लेने के लिए। अच्छा, बयान दे चुके पहले हमने लिखित में बयान दे भी दिया है, वही बयान पहले दे चुके हैं। चकबंदी का क्या मामला चल रहा है? चकबंदी में आने को भ्रष्टाचार हो रहा है सर। तो आपका कौन सा गांव है? मेवला। तो उसी में हुआ है या और भी किसी गांव में हुई है? मैं तो अपने गांव में जानता हूं। अच्छा, किस तरह की घोटालेबाजी हुई है? उधर से जमीन उधर कर दी, किसी को रास्ता एक जरूरत नहीं थी, रास्ते एक रास्ते कर दिए, जमीन को पैसे ले लिए, पैसे ले लेके दुनिया भर की जो है, और मेरी जमीन को बहुत गड़बड़ कर दिया, 1 जरी 27 कड़ी मेरी जमीन कम कर दी। भूनक्शे से अलग से कितने लोग हैं आप जैसे जिनकी जमीन खुर्द-बुर्द किया गया? 50 से कम। नाम आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है। आज आप लोग कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या समस्या है? ये हमारे पास नोटिस गए आगे जो है ना, तुम्हारी जांच हुई थी और जांच करने भी इन्हीं के आदमी गए थे, उन जांचों में हमने बयान दे दिए थे वहाँ पे लिखित। अब वही बयान दोबारा यहाँ पे बुला कर ले रहे हैं हमसे, तो हमें इस पर इन पर भरोसा नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कोई निष्पक्ष जांच करने वाले बड़े अधिकारी के सामने। अच्छा, तो आपने अपने बयान दर्ज नहीं कराए? बयान हमारे पहले दर्ज हो चुके हैं ना, दोबारा नहीं कराए? दोबारा क्या कराओ बताओ, उन्हीं की शिकायत कर रहा वही बयान ले रहे हैं। अब उन्हीं की तो हमने शिकायत कर रखी और वही बयान ले रहे हैं, वही बयान ले रहे हैं हमारे। किसकी शिकायत की आपने? सीओ साहब की भी। अच्छा, और चकबंदी अधिकारी जमीन भी नहीं नपी है, कानून को वगैरह उन्होंने जमीन कम कर दी, पैसे ले लिए, और जमीन नपी आपकी? ना, जमीन नहीं नपी है बिल्कुल। जमीन जी जी, आपकी जमीन नपी? नहीं नपी। अच्छा, फिर चकबंदी फिर क्या, और फिर पैसा मांगते हैं
भ्रष्टाचार कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। ठीक है सर, काम ठीक नहीं कर रहा, पैसे दे भी दिए, काम नहीं किया हमारा। अच्छा, तुम्हारी जमीन ज्यादा है, सुनो आप, जमीन ज्यादा है, आपकी जमीन निकल रही है, हमें इतने पैसे चाहिए, हमने पैसे दिए उनको, फिर भी हमने प्राइवेट आदमी से नपवाई, हमारी मौके पे जमीन कम थी, चकबंदी स्टाफ ने जमीन नहीं नापी हमारी। ठीक जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है साहब, हमारे कम से कम 20 साल पुराने मकान है, हमने जो उसी में जो जुसासी की जमीन है उसमें हमने मकान बना रखे थे, उसमें 20 साल से रह रहे हैं और उसी में ही हरिजन बस्ती दिखा दी गई है। अच्छा। उनसे हमने कहा, पैसे की मांग की, हमसे पैसा भी लिया 20-25 हज़ार रुपये, फिर भी वो हरिजन बस्ती हमसे निरस्त नहीं थी। तब क्या कहते हैं वो, आपका मकान गिराने की बात कहते हैं? हाँ, गिराने की बात करते हैं, जब किसी के नाम में वो तो कोई मुकदमा करेगा तो वो तो गिरेंगे ही, रह रहे हैं वो तो, और ये आते हैं यहाँ पे, हमारी कोई नहीं सुनता। अब कितने साल से उस मकान में रह रहे हैं? 20 साल से रह रहे हैं साहब। अब उस मकान को क्या घोषित कर दिया? हरिजन बस्ती दिखा रहा कि घोषित ये कर रखा था। ओ, मकान पे लोन वगैरह है कुछ नहीं सर? कोई